जैसे कि बाइबल में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। इस वचन की सामर्थ्य ने इस भाई को बीमारी के बिस्तर से उठाकर खड़ा किया। तो आइए सुनते हैं इनकी गवाही को। सारे जय मिश्र जी, मेरा नाम राजेश है, मैं जलंधर का रहने वाला। मैं अपने जीवन की वड्डी गवाही देने जा रहा कि मैं परमेश्वर ने कितनी वड्डी बीमारी तो छुटकारा दिता। मैं 21-1-2020 पैरलाइज का अटैक होया। उस वे बेटे ने पहले सामने डॉक्टर ने बुला गया से, उत्थे डॉक्टर नहीं मिली। मैं उन्होंने कहा मैं चाचे ला दे, चाचे ने फोन लाया, वो आ गया चाचा भरा छोटा, वो आ गया। उन्हें डॉक्टर ना लिया से, एक डॉक्टर ने चैक किया बीपी, उन्हें देखा 250 उपर है बीपी। वो कहें हॉस्पिटल लाए इदा घर च नहीं रखना। उन्हें टैंपू बुलाया नाल, मेरी वाइफ तो बेटा गया टैंपू बैठे, मैंने फड़ के बैठे। मेरी फैमिली मैं जलंधर वे हॉस्पिटल से लैके गई। डॉक्टर ने मैं देख के मैंने जवाब देता कि डैडी ये सह ही है ना, तो कुछ नहीं तुम लैओ। उतों फिर मैंने दूजे हॉस्पिटल लगे, उत्थे उन्होंने मैंने स्ट्रैचर तो पाया से, मैंने इन्नी होश सी। उस तो बाद मैंने पता की होया, जब लगा कि टीका लाया कि नहीं लाया भी नहीं मिलता, उन्होंने भी जवाब देता सी। मेरी फैमिली जी तीसरे हॉस्पिटल से लै गई वे, उत्थे वो कहते रात के डॉक्टर ही होंगे साढ़े, तो फिर उन्होंने एडमिट नहीं किया। फिर हम चौथे हॉस्पिटल से लगे, जो मेरी फैमिली ना मैंने लै गया चौथे हॉस्पिटल से, उत्थे एडमिट किया उन्होंने मैं रात 3 बजे उत्थे एडमिट होया। फैमिली नूं डॉक्टर ने दस्या सी कि उन्होंने पैरालाइज़ का अटैक होया। डॉक्टर ने मेरे सिर की MRI की, डॉक्टर ने रिपोर्टा देख के मेरे फैमिली ने यह दस्या कि इन्ह दी दिमाग दी नसा ब्लॉक हो गई हैं। दिमाग दी नसा ब्लॉक होने करके मेरे फेस का अटैक हो गया, जिन्हें मेरा फेस बिंगा हो गया और अखा भी सीधिया हो गई, अखा च भी नज़र नहीं आता सी मैं, अखा का असर हो गया ज़्यादा मेरे, ना इधर चले ना उधर चले, ना दिसे कुछ मैनू। जो कोई मेरे आता सी मैं पहचानता, उदा नहीं पहचानता सी, जां किसी दी आवाज़ दे सुन के मैं पहचानता सी। 3-4 दिन मैं एमरजेंसी चलिया जिस मेरा ट्रीटमेंट हुंदा रहा, ते उस तों बाद 4 दिन उन्होंने प्राइवेट रूम लिता उच्च रख्या। डॉक्टर ने मेरे घर दे कहा सी जे इन्हां दे दिमाग दीआं नसां खुल गई ना, ब्लॉकेज खुल गई ना, तो इन्हां नूं दिखना शुरू हो जूगा, नहीं तो सारी जिंदगी इदां ही रहनी है। पर उस टाइम अख ते इन्ना असर होया कि मैं नज़र कुछ नहीं आता सी, धुंदला धुंदला नज़र आता सी। रात नूं जे देखा तो लाइटां ही लाइटां नज़र आंदियां और कुछ नहीं नज़र आता सी। 8-10 दिन मैं हॉस्पिटल च रहा वा, तो डिस्चार्ज उन्होंने किया मैनू, मेरी फैमिली मैनू घर लै गई हॉस्पिटल। उस तो बाद मैंने घर च रहना, जो मैं चलता सी तो मैं डिग जाता, मैं छड़ी नाल लैके चलता, कला नहीं मैं चल सकता सीगा। तो जे टॉयलेट बाथरूम जा ना जाना, कभी बेटे ने कराना कभी वाइफ ने कराना। मैं लिक्विड चीज़ खाता सी बस, खिचड़ी और दलिया, वो नंगा सी, चबा नहीं चबादा नहीं सी, नंगा सी। ना मेरे को चल हों, ना मेरे को बोल हों, ना मेरे को नज़र आता सी। मैं यही सोचता सी मेरे की बनूगा, मेरे घर का मेरा की बनूगा, बच्चे का की बनूगा। मैं घर च सीगा, बैड पर पिया, बुरी हालत सीगा। वाइफ ने काम शुरू किया, जाना शुरू किया फैक्ट्री च नील पाशे, तो मैनू घर बैठे सोचता जी की जिंदगी बन गई, की लाइफ बन गई मेरी। तो वाइफ घर जा काम करन दी, मैं घर बैठा वा, बैड पर पिया पिया, मैं लम्बे पे पे, मैं बड़े भैड़े भैड़े ख्याल आते सी, मार जावा जे किसी ग थले आके मार जावा, या कि मैं कोठे छाल मार देव, या किसी अज का ही ख्या भैड़े भैड़े ख्याल आते सी मैनू। जो मैं बेटे वाल देखता सी फिर वो वाल सोच के मैं रुक जाता सी। मेरे अपने रिश्तेदार कहन लग गए, घर के भी कहन लग गए तेरी हालत इदा रहनी है, दवाई खाई इदा ही रहना, होर कुछ नहीं होना। मैं सोच सोच के पागल हो गया हूँ, मैं क्या बोझ बन गया इन्ना सारे लिए, रोंदा सी अपने आप में, इन्हों मरजन तो वधिया सी। वो एक दिन मेरा यार दोस्त आया मेरे घर हाल चाल पुछ, उन्हें देखा मेरी हालत देख के उन्हें दसिया, कहता खामड़ा चर्च जाना, उत्थे बड़े बड़े काम होंगे परमेश्वर वालों, लंगड़े चलते आ, अन्ने देखते आ, गूंगे बोलते आ, तू भी ठीक हो जा, तेरी बीमारी कुछ नहीं। वो कहता तू भी ठीक हो जाऊँगा, तू चल चर्च। जो मैं फर्स्ट टाइम आया ना, जो मैं गवाइया सुनिया इन्हों देख के, अपने आप मेरी आस जगी कि मैं भी ठीक हो सकता। मैं लगातार खामड़ा चर्च आता रहा, एमरजेंसी सैक्शन च बहिंदा रहा। 23 जनवरी 2022 खामड़ा चर्च आया से, एमरजेंसी सैक्शन च बैठा से। उस दिन परमेश्वर दास ने प्रार्थना की, ए पैरालाइज मरीज चंगे हो जाओ, शिकंजों के सहारे व्हीलचेयर के सहारे हील हो जाओ, पैरालाइसिस के रोगी हील हो जाओ, सब अतरंग की आत्मा यीशु मसीह के नाम में तुम्हें छोड़ के जाए। इस प्रार्थना को मैं अपने लिए रिसीव किया और परमेश्वर की आत्मा ने मैनू छुया। 14 महीने का जो मूँह मेरा टेढ़ा सी सीधा हो गया, और उस वे उत्ते
चल के देखिया अपने आप को सही होया और अखा तो देखिया बिल्कुल सही हो गया, धुंधलापन खत्म हो गया और मैं उस वेले अपनी गवाही देने अगे गया फुल फिट से। एक बड़ी टेस्टिमनी आपने आज बोला कि पैरालाइज के रोगी चंगे हो जाएं और इस भाई को जो पैरालाइज का अटैक हुआ था इनका फेस पूरी तरह से टेढ़ा हो गया था एक साइड को और आंखें भी टेढ़ी हो गई थी, लेकिन आज फायर पे के बाद पूरा फेस आप देख सकते हैं पूरा सीधा हो चुका है। ओ यीशु नाम मिलती है शिफा कर आराधना यीशु नाम। वो हैरान हो रहा है खुद ऐसे ऐसे मुंह करके, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। यीशु नाम में कर आराधना यीशु नाम यीशु नाम। ते हैंड दौरान प्रोफेसर दास ने मेरे सिर पर हाथ रख के प्रार्थना की और उस वेले पवित्र आत्मा ने मैं छूया और टच किया, मैं डिग गया उस वेले। उस दिन तो बाद मैं पूरी तरह ठीक है, मेरी अखा चो धुंधलापन खत्म हो गया, जो दो दिन नज़र वो कम खत्म हो गया, मैं टेढ़ा भी देख सकता ऐ भी देख सकता, सब कुछ क्लीयर नज़र आता, मूँह भी मेरा हूँ सीधा हो गया, हूँ मैं बोल भी सही लैंना वा, हूँ कोई दंद दुंद नहीं लगता बिच जीभ बोलते जीभ पर कुछ नहीं लगता। उस तो बाद जो मैं स्लो चलता सी हूँ वो चाल भी मेरी तेज़ हो गई, ना मैं किसी का सहारा लैंना, ना मैं छड़ी का सहारा फटदा कोई, मैं आपे बाथरूम टॉयलेट जाना। हूँ मैं पैरालाइज के अटैक तो पूरी तरह आजाद है, मैं किसी तरह की दिक्कत नहीं, कोई पैरालाइज का अटैक नहीं है, हूँ मैं बिल्कुल ठीक है। सारे ये कहना चाहना जिदा मैं प्रेशर ने चंगा किया तो भी प्रेशर चंगा करेगा, तुम भी अपनी जो बीमारी है तुम उत्थे आओ, प्रेशर के घर आओ, उ गवाइया सुनो, तो जिदा मैं अपनी उत्थे गवाही दी है इदा तुम भी अपनी उत्थे गवाही दोगे, प्रेशर तो छूगा तो तुम भी अपनी गवाही दोगे। इस वड्डी चंगाई लई मैं परमेश्वर दे परमेश्वर दास दा धन्नवाद करदा ते सारयां नूं जय मसीह। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंचों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।